फाइनली मेरा दिन आ चुका है जहां पे हम लोग पोल्स खोलने वाले बेसिकली द होल फ्रिकिंग शिट दैट हैपेंड एंड आई वुड से नॉमिनेशन की बात की जाए बहुत बढ़िया टास्क था आई वुड से बहुत कुछ नई नई चीजें हमें देखने को मिली कुछ ऐसे से नजारे कुछ दोगलेपन देखने को मिले हमें कुछ एक्सपोज गेम होते हुए दिखे कुछ रियल रिलेशंस हमें देखने को मिलने वाली चीजें देखने को मिली बट हाँ दिस वाज अ होल बट हाँ कुछ अगेन वो पर्सनल ग्रजेस वाले लौंडे भी देखने को मिले बट अगेन वी विल बी टॉकिंग इट अबाउट लेटर बट यस बिग ने भी सोचा है बिने सब्सक्राइब दबा देना लाइक कर देना हमारे वीडियो को दैट विल सेलिब्रेट मी अ लॉट चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की बातचीत पे तो जा The whole episode starts with basically again Abhishek complaining to Munawar about Khanzadi जिसको हमें episodes में दिखाई नहीं गई तो basically Khanzadi ने एक statement कही थी about the whole hand holding issue जो कल discuss की गई थी कि Khanzadi को Munawar ने पूछा था कि तेरी did you hold his hand and उसने शर्मा गई थी ऐसे करके वो which clearly gave out an answer कि हाँ उसने touch की थी उसमें मनारा बोलो उसमें Khanzadi का कहना है कि he was jealous He is jealous of you and my relationship. वाह भाई ये कॉन्फिडेंस मेरे को जिंदगी में चाहिए लाइक सीरियसली Khanzadi आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू जस्ट बिकॉज अभिषेक एक तो सबसे पहले बात है किसी का सगा नहीं है ये मैंने डे वन पे बोली थी जब ये पूरी लड़ाइयां हुई थी ईशा के साथ मैंने तभी कही थी अभिषेक की अभिषेक ने इतने इतनों के साथ गेम खेला है ना गेम नहीं बोलूंगा मैं उसने अपनी रियल कलर्स दिखाए है ना मैंने ये चीज कही थी कि अभिषेक किसी का सगा नहीं है एंड अभिषेक ने वही चीज बार बार वो प्रूव कर रहा है नॉमिनेशंस भी उसने प्रूव की एंड अभी भी उसने ये चीज प्रूव की अगर Khanzadi ने उसे एक पर्सनल चीज बोली है तो आइदर ही कुड हैव केप्ट इट वेरी पर्सनल आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो समझो ये स्टेटमेंट गलत है बट ये चीज उसको पर्सनल रखनी चाहिए ना अगर उसे Khanzadi ने कही है तो बट अगेन ही प्रूविंग हिमसेल्फ कि वो किसी का सगा नहीं है बट हाँ द होल सीन of the new मकान सिस्टम happens यहाँ पे सारे मकान dissolve हो चुके हैं and again सारे लोग आ चुके हैं रोड पे सारों को रोड पे ला दिया बिग बॉस ने तो हाँ बिग बॉस ने सारों को रोड पे ला करके एक चीज तो साबित कर दी don't even try to play games with बिग बॉस भाई ये तो मैं आज कह सकता हूँ because again I find की सबसे पहली चीज जैसे अनाउंस हुआ विक्की के ज्ञान चालू हो गए and इसमें बिग बॉस ने टॉन्ट मारा कि भाई तुम क्या तो बिग बॉस की मेरी बातें सुन के सारे सामान ले आओ बाहर में या तो विक्की भाई की सलाहें सुन लो बेसिकली बट अगेन हमारा समर्थ कहां सुधरेगा हमारा समर्थ अलग ही वो इमरान हाशमी मूवीज की तरह समझ रहे हो फूल खिला रहा है बेसिकली वो यहाँ पे सब लोग सामान ला रहे हैं यहाँ पे ईशा और समर्थ अलग ही ट्रिप में चल रहे हमें रहने दो भाई हम अपना समझ रहे हो ओल्ड बालाजी करना समर्थ लेना वो ना टिपिकल क्या बोलूं मैं लाइक समर्थ को ट्रॉफी दे दो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये अगर बिग बॉस में Munawar के बाद कोई ट्रॉफी जिसको देनी चाहिए तो वो समर्थ है भाई सीधी बात आई कैन से दिस ऑन फेस बट हाँ द होल सीन स्टार्ट्स अबाउट द होल दिमाग सीन के दिल के दिमाग के टीम में दिमाग ही नहीं है बेसिकली रोना धोना का चलते रहता सिर्फ रोना धो ही चलते रहता अनुराग का वो क्राई बेबी शिट फिर दिल में दिल ही नहीं है सिर्फ नेगेटिविटी की भमार हो रखी है एंड अगेन दम में सिर्फ वो खेल छोड़ के मैदान में जाने वाली बात हो रही जबकि उन्हें दम दिखानी चाहिए टू प्ले द गेम इन फ्रंट तो अगेन तीनों रूम को डिसॉल्व कर दिया गया विद दोस डायलॉग्स एंड अगेन नई तीन टीमें बेसिकली रिकवर कर दी गई बिग बॉस के हिसाब से दैट वाज अ बिट शॉकिंग आई वुड से मैं उनमें से कुछ कुछ को आगे पीछे करना चाहूंगा मैं बताता हूँ इन क्यू विद मैं प्रॉपर रीजन एंड ऑल दूंगा बट अगेन पहले बिग बॉस की बातें कर लेते हैं सारे तो अगेन वही विकी के तो अंकिता विकी के तो लोग पीछे पड़ चुके हैं भाई बिग बॉस तो इस क्लियरली मतलब टारगेट ही कर दिया भाई विकी को एंड अब लोग बोलेंगे नहीं टारगेट कर अनुराग के टाइम पे ठीक बच्चे आ गए थे बजने के लिए कि अनुराग को टारगेट कर यहाँ पे तो तुम सीधा टारगेट कर रहे हो विकी को भाई विकी अंकिता को तुम कुछ भी विकी कन्वर्सेशन करता उसके पीछे एक टॉन्ट आ जाती है बिग बॉस की अरे यार ये क्या मतलब है वो बेचारा बात भी ना करे उसकी एक बात करते तुम उसके पीछे पड़ जाता विकी ने ये कहा है विकी ने वो कहा है ये है विकी का गेम फिर कुछ होता ये है विकी गेम वो है विकी गेम अरे कुछ तो कर लेना तो बेचारे को तुम्हें हर जगह ही टॉन्ट मार के अपनी ओवर स्मार्ट दिखाने बिग बॉस का मेरे को समझ में नहीं आया यार सीन सीधी बात बट चलो बात करते नई ग्रुप्स की विकी के सोच में चलने वाले ग्रुप एंड द वेरी फर्स्ट नेम
who has taken a very new spot and taken up an internship? Anurag. So evident, bhai. So evident. But this is one of the most evident names in the whole list, bhai. I can say this on face, bhai. Like, I'm pretty sure sabne wahi cheez kahi, Isha ne bhi wahi cheez kahi. This is so evident, bhai. So, Abhishek, 100%, bhai. 100%. Ye to main on, ye, this is great on point. Anurag, Khanzadi, Sana, Ankita to chalo, bhai. ये टीम मेरे को सही लगी. लाइक दिस इज अ प्रॉपर शिट. मैं इस पूरी टीम के जो विकी के सोच के साथ चलने वाले, आई वुड एग्री टू दिस शिट. फिर आते हैं एक समान सोच, मतलब बिग बॉस की तरफ से एक सब की तरफ एक ही सेम पर्सनैलिटी रखते हो लोग. उसमें डाला गया मुनावर को, मनारा को, समर्थ को, ईशा को, रिंकू को एंड नील को. अब मेरी क्वेश्चन ये है, एक पर्सनल एक था बेसिकली इंडिविजुअल वाला जिसमें जीरो गेम अभी तक सबने दिखी, जिसमें अरुण की गेम नहीं दिखी उनको एंड ऐश्वर्या की गेम उन्होंने नहीं दिखी है. मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि अरुण भाई की कौन सी गेम नहीं दिख रही है बिग बॉस के, व्हाट आई फील. क्योंकि अरुण भाई के अभी परसों तरसों उसने लड़ाई की है, फिर उसने वो जोक से और क्रैक करते रहता है. अब तो वो बेड पे भी नहीं सोता यार, अब तो वो बेड के बाहर भी आने लग गया. ये चीज तो आप एग्री करोगे मेरे साथ, बिकॉज आई डोंट फील कि कंपेयर टू ऐश्वर्या He is far better than Aishwarya, भाई. Aishwarya तो कुछ भी नहीं कर रहा भाई, zero contribution to the show, zero, legit zero. But Arun को मैं disagree करूंगा इस fact से, भाई. उसने परसों तरसों लड़ाइयाँ कर रही है, अब जाके वो सबके साथ consult कर रहा है. अभिषेक को क्या on face लपेट रहा है यार वो. I don't think so कि Arun should have deserved this. But मेरे को लगता है कि वो विक्की के सोच वाले चलने वाले में से शायद ज्यादा contribution दे पाता. मतलब अगर अरुण को मैं यहां से निकाल के किसी में डालू ना, तो मैं विकी के सोच में चलने वालों में से आई पुट हिम ऑन दैट ग्रुप. बट हाँ, इन सारे चीजों के बाद समर्थ भाई को अवार्ड दो यार. मैं क्या दू आज के अवार्ड. हाँ, ये तीसरा अवार्ड दे रहा हूं मैं समर्थ को. हमने बॉटल भी दे दी, अपनी माउस भी दे दी, एंड इट्स टाइम फॉर माई ईयरबड्स. समर्थ भाई, ये आपके लिए ट्रॉफी. ये तीसरी ट्रॉफी मैं दे रहा हूं समर्थ भाई को, जो चाटे मारे भाई, जो टोंटे मारी है विकी को, भटूरा 11 बोल के. भाई मैं जो हंसा हूं ना, मेरे को पता है. जस्ट लेजिट, जब मैं देख रहा था ना एपिसोड, आई लेजिट लाफ्ड एट माय बेस्ट कि भटोरे 11 भाई. मैं ट्रिगर होके चपेटे मार देता अगर मैं जगह होता ना भाई. मैं कसम से जो ट्रिगर होता नहीं सब चीजों पे, जो लपेटी है भाई, जो लपेटी है. एंड विकी भाई ट्राई कर रहे मुनावर को टोंड मारने के लिए कि तुम्हें जो बोली गई वो तो ज्यादा अच्छी चीज बोली नहीं गई. बट अगेन ये चीज आपने मुनावर को बोली तो उसे तो अच्छा से पता है कि कैसे डिफेंड करना है, तो वो अपने चाल से उसे डिफेंड कर देता है. फिर ये भटोरा 11 भाई अलग ट्रिगर कर दिया समर्थ ने. खानजादी आ गई भड़कते हुए, ये तो भटोरा 11 कैसे बोल रहा है. अभिषेक आ गया, मेरे को मतला बीच में, मेरे को मतला, तू सबको ला, मेरे को मतला. मैं भटोरा 11 नहीं हूं, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल गेम खेलने वाला हूं. चाहे 100 में से 99 दिन उसने विकी के साथ ही खेला, बट एक दिन उसने कुछ अलग खेल ली होगी. मैंने उस दिन खेली थी इंडिविजुअल गेम, वो पोकर वाले टास्क पे, कार्ड गेम वाले पे. ये है अभिषेक का गेम, इंडिविजुअल गेम. तो ये तो है. ऑल्सो मुनावर कहता मंडली के पैराडी डूड इज, उसकी जो ऑन पॉइंट जो जोक्स आती है ना, मंडली के पैराडी आप समझ ही रहोगे. जो उसने लाइक ऑन पॉइंट वो जोक कही ना उस टाइम पे, वो क्रेजी थी भाई. मंडली के पैराडी एग्जैक्ट. एंड कितने लोग हैं इसमें विकी के लोग में, 1 2 3 4 5 6 खुद विकी. मंडली में कितने थे, शिव, स्टैन, निमृत, उसमें भी 6 लोग ही तो थे भाई. ये क्या, लेकिन ये तो एक्चुअली में पैराडी बना दी इन लोगों ने बड़ा. एंड फिर अनुराग भाई का एक कमेंट आता, सटल सा कमेंट आता अरुण भाई को कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ विकीज टीम, वी जस्ट स्टैंड टूगेदर. वाह, वी जस्ट स्टैंड टूगेदर. वाह, क्या दिल खुश करने वाली स्टेटमेंट कही अनुराग भाई ने. वी जस्ट स्टैंड टूगेदर, वी आर नॉट अ टीम, वी जस्ट स्टैंड टूगेदर. वाह, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था. आई वॉज लेजिट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अनुराग. उसे डिफेंड करते हुए ऐसा कॉन्फिडेंस में वो बोलता है ना, चाहे उस कमेंट का कुछ सर पैर कुछ नहीं हो, पर जस्ट टू लुक कूल, वी जस्ट स्टैंड टुगेदर. वाह, ये तो चल रही.
फिर एक डिफरेंस बिटवीन होता है बेसिकली, जहां पे मनारा द मास्टरमाइंड मनारा, मनारा नहीं द मास्टरमाइंड मनारा, एक डिफरेंशिएट होती है। जैसे बचपन में हम लोग कॉलम्स नहीं बना रहे होते, बीच में कॉलम है, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। तो मास्टरमाइंड मनारा डज दिस, मास्टरमाइंड मनारा खड़ी है बीच में, दो रेफ अपने आप रेफरी समझ के, एक प्लेयर को यहां पे देती है सेम क्वेश्चन, एक प्लेयर को यहां पे देती है सेम क्वेश्चन। अनुराग एंड मुनावर की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के पास एक ही क्वेश्चन जाता है एंड दोनों के रिप्लाई सुनना आप लोग, ठीक है? मेरी बात सुन के जाना इस बार कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल पीपल प्लेइंग सेफ, मतलब जो लोग सेफ एंड ऑल खेल रहे हैं। अनुराग का पॉइंट क्या था मैं बताता हूं, हाँ बेसिकली उसने पहले सबसे पहले नाम ली, उस नाम में अनुराग बीइंग ओवर स्मार्ट, अगेन वो कहते हैं ना डम लोग ज्यादा जब स्मार्ट 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 करते हैं ना, तो यही होता है। सेफ खेल रहा, सेफ खेल रहा, उसमें सना का नाम आया, खानजादी का नाम आया, अभिषेक का नाम आया, अरुण का नाम आया, सबका नाम आ रहा था, जिसमें अनुराग कह रहा मुनावर, खानजादी बोल रहा मनारा, तो कहती मुनावर को छोड़ बाकी यार मनारा यू आर यार मनारा, कभी कभी दिल जीत जाती है यार। लाइक ये जो तीखे तीखे ये जो तीखे तीखे रिटर्न्स देते हैं ना ये मजे दिला दे दिए भाई, हैव टू से भाई, किल्ड इट किल्ड इट अगेन। फिर उसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि खानजादी है इसका तो बस लव एंगल चल रहा है, विच इज समवेयर अ फैक्ट कि अगेन जस्ट बिकॉज अभिषेक हैज लॉस्ट अप अ प्लॉट, खानजादी के पास कुछ करने को है नहीं, उसे बस वो रट लगानी, मेरे को घर जानी है, घर जानी है, घर जानी है, घर जानी, भेज भी नहीं रहे बिग बॉस में, वो समझ भी नहीं आ रहा है ना, कोई हेल्थ अपडेट आ रहा है, तो ड्रामा खत्म हो गए बेसिकली। तो इज वॉट आई फील कि हाँ इट्स हाई टाइम, सेफ तो लोग खेल रहे हैं। अब आता है ये सारा क्वेश्चन मुनावर के पास, मुनावर क्या आंसर करता है मैं आपको बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। और सो हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया कि नहीं वो हम लोग वो ये चीज हम लोग बाद में बात कर सकते हैं अबाउट द होल बस थिंग वाला, वो हम लोग बात करेंगे नॉमिनेशंस के टाइम पे, जब नॉमिनेशंस वाला आएगी ना तब मैं ये पॉइंट आपको लाके दूंगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। हाँ तो बेसिकली मनारा कहते हैं कुछ लोग सबसे बना रहे हैं, हाँ मुनावर बेसिकली कहते हैं कि मनारा का ये कहना होता है कि कुछ लोग सबसे बना रहे हैं, वो हमें दिख रही है क्लियरली, ये सब लोग बना कहते हैं, जिसमें मुनावर एक बहुत सरल तरीके से एक चीज कह जाता है कि अब जैसे कि उसने अपनी एग्जाम्पल दी कि तू मेरी एग्जाम्पल ले ले ले, बेसिकली अगर मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं तो मैं सबसे बेसिकली बना तो नहीं रहा ना, बेसिकली इज वॉट इज ट्राइंग टू से, जिसमें मेरे को एक पॉइंट क्लियर करनी थी। सेफ खेलना, एक होता है सेफ खेलना, एक होता है सेफ दिखना। मेरे को लगता है सेफ दिखना मतलब समझ लो एग्जाम्पल, जैसे रिंकू जी शी इज वेरी सेटल विथ एवरीवन, वो है सब जगह पे, जैसे मुनावर वो सबके साथ है, बट कहीं ना वो जो कुछ लोग के अंदर के ग्रजेस होते हैं ना, अंदर के ग्रजेस, वो उसको वो फिर वो सेफ ट्राई करके भी नहीं खेल पाते। जैसे क्या विकी की, मैं नॉमिनेशन से हल्का सा जा रहा हूं ताकि मैं अच्छे से एग्जाम्पल दे पाऊं, ये जो सेफ खेलना है, सेफ एक्चुअल में खेलना, सेफ दिखना, विकी क्या नॉमिनेशन में क्या हुई, विकी ने सेफ दिखाने की कोशिश की जिसके कारण उसने किसी को नॉमिनेशन की नहीं, बट जब सेफ होने की बात हुई तो चार लोग बिना नॉमिनेशन करते हुए भी उसके पीछे पड़े रहे। आप समझे आप कि मैं किस चीज के बारे में बात करता, सेफ दिखने में और सेफ होने में बहुत फर्क है। विकी ने सेफ दिखने की ट्राई की विच ही फेल्ड, सेफ होने की कोशिश की जिसमें चार लोगों ने से नॉमिनेशन में डाल दिया, लास्ट में आप सबने देखा वो चीज, तो समझ रहे हो। तो मुनावर का गेम ये है, मतलब मुनावर ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था मनारा को। अब मेरे को ये नहीं पता कि कितने लोगों ने समझा कि नहीं, बट उसने कहा तो सही कि आपने मेरे को कितने सिंपल में समझा दिया, मनारा ने ये चीज कही तो है, बट अब आगे लेट्स सी। बट हाँ भाई ये समर्थ ने तो अलग अलग टॉन्ट दे के जो ट्रिगर किया अंकिता को, भाई शी जस्ट क्राइड एंड ऑल यार समर्थ समर्थ अलग मजे ले रहा। मैं कहूंगा यार समर्थ एंड विकी की एक रिंग बेल्ट करवा दो, वो खाली इनसे लड़ेंगे, हाथों की जरूरत ही नहीं है भाई, इनसे लड़ेंगे समर्थ। आई वुड से समर्थ इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फकिंग शो भाई, कंट्रीब्यूटिंग इट नाउ, मैं ये चीज कह सकता हूँ भाई, आई एम अ फैन ऑफ हिम, आई एम अ फैन ऑफ हिम। अगर मैं मुनावर के बाद किसी के लिए शो देख रहा हूं ना, दैट इज समर्थ एनी डे भाई, एनी डे। तो हाँ इन सब के बीच में फाइनली जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, द नॉमिनेशन, बात करते हैं उस बारे में पानी पीने के बाद। तो हाँ
टास्क बहुत क्रेजी था, वो से एक वो चमाटा मारने वाली बात थी कि ले बैगन में तमाचा, ले तमाचा वैसा शॉट था, कॉफी लो सीधा कॉफी बनाओ, कॉफी लो सीधा, समझ रहे हो, बेस्ट सीधा। मेरे लिए तो ये कॉफी भी नहीं था, दिस वॉज अ टाइट स्लैब। जो लोग भी आके मार रहे थे या जिसके ऊपर ही मार रहे, चाटे भाई चाटे ऐसे लगे। बात करते उस बारे में, सबसे पहले मुनावर की बात कर लेते, बाकी सब पे जाएंगे हम लोग, पहले मुनावर की बात कर लेते। ऐश्वर्या गॉट इन टू ये इसमें गई नॉमिनेशन से नॉट पे। मेरे को लगा मुनावर ने पता क्या की, मुनावर ने उड़ता तीर अपने में ले लिया बेसिकली, इज वॉट आई फील। पता है क्यों? अगर आप नोटिस करोगे ना कि मुनावर के नॉमिनेशंस में अनुराग तो चलो वो क्राई बेबी है, वो आएगा ही हमेशा नॉमिनेशंस में, ओवर स्मार्ट दिखने के लिए, कूल दिखने के लिए, क्योंकि अगेन अनुराग के टाइम पे मुनावर आ गया, मुनावर ने तो क्या तमाचे दिए भाई, बताऊंगा आएंगा उसपे भी आऊंगा मैं। तो मुनावर अनुराग को कहने का एक्सपेक्ट कर था, बट ये जो दो वॉनाबीज आए ना यहाँ पे, इसकी जरूरत थी नहीं मुनावर को। बट अगेन मुनावर के गेम में आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत था, बट जस्ट बिकॉज मुनावर ने इन दोनों के ऊपर टॉन्ट कर दी ना, इन दोनों को नॉमिनेशन में डाल दिया, ये उनका पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए वापस से आए। एंड मुनावर को ये ऑलरेडी पता था भाई, लेजिट जब वो लोग तीनों चल के आ रहे थे तब उसने कहा रहे पर्सनल ग्रजेस वाले आ गए, तुमसे पहले तुम्हारा गेम डिकोड करके बैठा है वो ब्रो, तुम क्या गेम खेलोगे, क्या गेम खेलोगे भाई। ऐश्वर्या सना का तो कोई सेंस ही नहीं बना था आने का, अनुराग का तो चलो फिर भी मैं मान लेता हूं, वो लोग दोनों क्यों आए, क्योंकि उसके पहले ही उन दोनों को नॉमिनेट कर दिया था, तो कहीं तो वो दिखानी है ना कि हमने ये कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुनावर शायद नॉमिनेट होता भी नहीं, इज व्हाट आई फील, अगर मुनावर ने वो उड़ता तीर दे लिया होता। बट ठीक है, अब उसने लिए तो मजे भी लिए बेसिकली। तो ऐश्वर्या को किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया था देन मुनावर, बिकॉज अगेन वो जीरो गेम वाली सीन, अग्रीड विद द पॉइंट 100%, जीरो भी नहीं नेगेटिव पे चल रहा उसका गेम, जस्ट बिकॉज इज हर फैन बेस एंड ऑल शी इज स्टिकिंग अराउंड, जो कि नील की अब वो भी उड़ चुकी है। अनुराग आता नॉमिनेशन में, नील भाई उसे करते हैं, ऐश्वर्या नॉल करती है रिंको। अब मेरे को एक चीज देखने को मिली, जो एज अ फैन बोलूंगा मैं या फिर एज अ व्यूअर बोलो, एज अ यूट्यूबर बोलो, एज अ फेलो यूट्यूबर बोलो, कुछ भी बोलो, मैंने एक चीज नोटिस की ना आज, जिससे अनुराग ना मेरे से वो रिस्पेक्ट खो गया, लाइक आई एज ऑफ नाउ आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर हिम। द रीजन, पहले से वो कुछ चीजें करते हुए आ रहा है ब्रो सेना को लेकर के, वो जो आर आर चल रही है उसके हमेशा की तरह, वो तो खत्म होने रही है, जो भी चीजें बोली मैं यहाँ उसके वजह से नहीं हुआ है, जो भी आज जो उसने एक चीज की ना, रिंकू जी बेसिकली आती है नॉमिनेशन के लिए, फिर वो कहता है कि ये कोई अचीवमेंट नहीं नॉमिनेशन होना, फिर वो कहता है कि यार बेसिकली ना टॉन्टिंग वे ही सेज कि तेरा कोई, मतलब रिंकू जी ने कहा कि तेरा कोई गेम एंड ऑल नहीं दिख रहा, तो उसमें वो एक अक्कड़ एंड वो एक एरोगेंस में बोलता है ना, एटलीस्ट मैं बॉटम टू में तो नहीं आया था, मतलब यहां पे जरूरत थी इसकी, यहां पे जरूरत थी। पता है एल्विश और इसमें पता है यही फर्क है, ये जो दोस्ती दोस्ती के ये जो ड्रामे करते रहते हैं ना ये लोग, इससे पता है ये फर्क है, अनुराग को सीखनी चाहिए एल्विश से। एल्विश की फैन बेस हु इज फकिंग सो मोर डिडंट इवन गिव अ शिट अबाउट अ सिंगल टाइम, हमने देखी थी बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड आया था बंदा, आज तक हमने पूरे एपिसोड में जितनी भी हमने देखी थी लाइव भी बहुत सारे लोग देख रहे थे, इवन आई वाज वाचिंग इट लाइव होल टाइम, हमने एक बार नहीं देखी एल्विश को ऐसे कुछ बोलते हुए कि मेरे ये सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वो है, मेरे ये है, एंड उसके घमंड को लेकर चले गए, इसके तो दिमाग में चढ़ गई है भाई, उसने तो अलग ही वे पे ले लिया है। एंड कितनी बार हमने देखा उस वहां पर भी सोफा में बैठ के उसने अलग ही चौड़ में अलग ही ट्रिप में बोल दिया था भाई कि तेरे फैन बेस से, अनुराग को अगर फैन बेस से अलग कर दो ना तो उसकी गेम उतनी सेंस बना रही है जितनी जिग्ना जी की गेम हमें दो हफ्ते पहले सेंस बना रही थी, जीरो। एक्चुअली मैं दिस इज अ फैक्ट, अनुराग की गेम उतनी ही है जितनी जिग्ना जी की थी, अगर उसको फैन बेस हटा दो तो, जस्ट बिकॉज आप गेम में तो जीरो हो ये आपको पता अच्छे से, बट जस्ट बिकॉज आप उसको घमंड में उस जोड़ा पर लेके जा रहे हो कि मेरे पास फैन बेस है। तो चलो फिनाले भी आ रहे कुछ दिनों बाद, तब मैं देख लूंगा कि क्या सीन है बेसिकली। तो सॉरी अनुराग, यू लॉस्ट द फाइट मैन, यू जस्ट लॉस्ट फाइट ऑल्सो एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो फॉर दैट। तो हाँ, फिर मुनावर आते नॉमिनेशन करने के जस्ट टू रिप्लाई दैट शिट, जिसमें वो कहते हैं कि तू जो जिस तरह से उसको नॉमिनेशन को एक रेप्लीकेट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं तेरे वो जो मास्टर वहां बैठे हुए, तेरे जो सर वहां बैठे हुए जिसने तेरे को सिखा रहा है गेम,
उसे कहीं ना कहीं उस वो भी तो नॉमिनेट हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं बॉटम टू में आता, तो कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली उन्हें तो डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना तो सगा है नहीं ना अनुराग, हमने कितनी बार देखा उसको मनारा को बस के नीचे डालते हुए, समझ रहे हो? तो फेयर पॉइंट बाय मुनावर टू। फिर हम लोग आते हैं मनारा पे, जहां पे अगेन अभिषेक की पर्सनल ग्रजेस एंड अपने अंकिता की पर्सनल ग्रजेस निकलने को देखने को मिली। तो दिस इज अगेन द होल शिट। सना को अगेन मुनावर ने जबरदस्ती, यार क्यों करना है मुनावर यार, जबरदस्ती के क्यों ना मेरे शस होने यार। आई नो तुम्हें पर्सनल है यार कि उससे उसकी वो जो जीरो वाली शिट थी, बट ठीक है यार, छोड़ इग्नोर कर यार। बट हाँ यार, मेरे को कहीं ना कहीं ये फील तो होता है भाई कि सारे दोस्त उसके टेम्पररी एंड ऑल दो शिट है। फिर एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि अनुराग को दोगला एंड ऑल बोल रही थी, जबकि ये चीज अनुराग ने चीज की है, बिकॉज अनुराग से एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वही ना ज्ञान दे रहा था कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त है, एंड ही वॉज स्पीकिंग बुलशिट अबाउट हर। एंड फिर अनुराग वॉज सिटिंग देयर, सारे लोग भी शॉक हो गए, सो वॉज आई, सीरियसली अनुराग ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर मनारा के टाइम पे फिर खान सती के टाइम पे मनारा जा रही है नॉमिनेशन करने, वाह भाई मनारा अलग पलटू है भाई। आई डेंट गेट द पॉइंट कि वाई डेंट शी गो टू नॉमिनेशन, अगर आप उसकी फ्रेंड हो क्लेम कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो दिस वुड इवन मेक अप अ फेयर पॉइंट। फिर आप बाहर जाके ये चीज बोल रहे हो कि तू तो ऑलरेडी नॉमिनेशन थी, बट मैंने तेरे को जस्ट एक फ्रेंड की तरह समझाने, ना 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 ना, डोंट ट्राई टू प्ले दिस वाना बी डम कार्ड, ना 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 ना, आई डोंट थिंक सो दिस वाज, दिस इवन साउंडेड कूल मैन। ये तो ये होता ना कि आपने वो सांप भी मार दिया है ना, वो ट्राई कर रहे हो कि वो लाठी भी ना टूटे, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लास्टिक की लाठी थी भाई, वो टूट गई। तो दैट वाज अ होल सीन। खान ज्यादा आती है। यार मैं एक तो चीज कहूंगा भाई, अगर इस शो का कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर है ना, वो है मुनावर, तुम अग्री करो चाहे मत करो। बिकॉज द रीजन आई से दिस, सब के सब इतने बोरिंग हो गए ना एक टाइम पे आके, वो सेम रिपीटेटिव शिट, एक ही बारे में गालियां दे रहे हैं, वो उसके बारे में सुना रही है, इसके बारे में सुना रहे, बट वो जो बीच बीच में पंचलाइज मुनावर दे रहा है ना कहीं दैट वॉज द थिंग दैट वॉज कीपिंग मी इन साइड द गेम। ये चीज मैं हमेशा कहूंगा भाई कि अगर इंटरटेनमेंट फैक्टर कोई था ना भाई आज के दिन पे, दैट वॉज मुनावर भाई, 150% श्योर दिस वॉज मुनावर। कि कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे को रैंट कर रहे थे, बट वो जो बीच में हल्का सा फनी एंड टॉन्टिंग वाला चीज जो कर रहा था मुनावर, चुमा फॉर दैट भाई, क्रेजी वर्क। खान शादी पे बोला आप सुंदर लग रहे हो, बट मैं चाहूंगा कि मैं सामने से उस सुंदरता की ये कर सकूं, मैं मेरे को नॉमिनेट करना है बेसिकली वांटेड उसे। मैं कह रहा यार ही वाज क्रेजी विद हिज जोक्स टुडे मैन, ही वाज क्रेजी विद हिज जोक्स मैन। फिर मेरे को उसका भी समझ में नहीं आया यार कि उसने आयशा को आएगा आएगा ये क्या किया भाई, ये क्या था लाइक, मेरे को भी उसमें लाइक ये भी बड़ा मुंडा का पॉइंट बहुत सही था कि कहीं ना कहीं खानजादी थक चुकी है, तो आई शुड हेल्प हर, विच इज अ फैक्ट मैन, कि खानजादी का गेम अब जीरो दिखता है भाई, जीरो। बट हां द मोस्ट अवेटेड बात, अरुण भाई को नॉमिनेशन करते हुए आते अभिषेक, जिसका अभिषेक को बेसिकली अरुण ने नॉमिनेशन किया ना, अब अभिषेक आया अरुण को नॉमिनेशन करने के लिए। अभिषेक के पास कितने डम पॉइंट्स है भाई, कितने फालतू पॉइंट्स थे भाई, छी नहीं लगे भाई मेरे को अच्छे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ही नहीं थे अरुण भाई के अगेंस्ट तुम्हें बोलने के लिए, तुमने जैसे चौड़ में आके उसके ये करने लग गया। अरुण भाई के पास कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है भाई, क्या अच्छे अच्छे टॉन्ट दिए उसने, वो लास्ट में वो चीज कही कि मेरे को दिल के रूम में तो तूने ही भेजा था ना, दिल के रूम में तो तूने भेजा था मेरे को, तो फिर ये तूने ये पूरा ड्रामा क्यों शो किया अपने डैडी बनने के चक्कर में, कि तू ईशा से ऐसे क्यों बात कर रहा है, तुमने ही मेरे को भेजा ना। दैट वॉज अ गुड पॉइंट भाई अरुण भाई, मैंने कल नोटिस नहीं की थी, मैं बोलने वाला था, बट हाँ मैंने लेट नोटिस की ये चीजें, दैट वॉज अ गुड पॉइंट भाई अरुण। फिर उसने वो चीज भी कही कि इससे अगर तू पर्सनल लेना चाहता है तो पर्सनल ही ले, कि तूने मेरे भाई को छेड़ा है तो इट्स हाई टाइम टू छेड़ो यू। ग्रेट भाई अरुण भाई, तगड़ा भाई। एंड जो जवाब दिए अरुण भाई सबको, ईशा को भी क्या जवाब दिए, सना को तो भाई छोड़ ही दो, सना को तो बहन बहन बोल के दिया। जवाब दिए भाई, आई हैव टू से भाई अरुण भाई इज किलिंग इट भाई। अरुण भाई अगर ऐसे खेले ना, मैं कह रहा हूं ना, ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर मैन, ही इज अ डिजर्विंग प्लेयर, वो 100% आगे जाएंगे, तुम लिख के ले लो। अगर वो ऐसा ही है फ्रंट फुट पे ये चौड़ पे खेले ना, ही इज गोना लीड। क्योंकि अगेन ईशा का गेम मैंने उसी दिन कही दी थी कि वो जो बदतमीज वर्ड यूज तो करी, बट उसका कुछ सेंस उसके सामने ही नहीं बन रहा, तो बाकी के सामने तो क्या ही बनेगा। तो हाँ, फिर आता है अपना मुनावर का नंबर, मुनावर भाई। तीन लोग बेसिकली आते हैं, अगेन एक से हम एक्सपेक्ट ही करते हैं,
दो वो पर्सनल ग्रजेस लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या आती है कि ऐश्वर्या का पॉइंट कितना, देखो मुनावर हमारा स्मार्ट तो है, उससे अच्छे से पता है कि गेम कैसे खेल ली है। मेरे को ये पॉइंट अच्छी लगी इसलिए मैंने उसमें एक कॉमा दे रखा था कि मैं एक समझ सकूं, लेकिन हाईलाइटेड दैट पॉइंट। अगर तुमको पता हो कि ऐश्वर्या का बेसिकली कहना है कि तू विकी से डर रहा है बेसिकली, एंड तू मेरे से बात करने की खुद ये नहीं करता है बेसिकली, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, तो उसमें वो कहता है कि जस्ट बिकॉज आई एम अंकिताज एंड विकीज फ्रेंड आई कांट, बिकॉज मैं क्योंकि उसके दोस्त हूं तो मैं उसके ही दुश्मनों के साथ ज्वाइन कर सकता। एंड दैट इज सच अ गुड पॉइंट भाई, दैट इज सच अ गुड पॉइंट कि अगर मान लो मेरा दोस्त है एंड मेरे को पता है उसकी नहीं जम रही है एंड वो सामने ही, मैं क्यों आऊंगा बात करने यार, एंड मेरे को पता है मेरे पर्सनल कुछ फायदे भी नहीं है तुमसे बात करके, तो व्हाई वुड इवन कम टू यू, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी विद देम। बहुत सही पॉइंट। फिर आते हैं अनुराग भाई का पॉइंट कि प्राउड हूं और घमंड में बहुत फर्क है, एंड मैंने वो प्राउडली कहा था, तो इस पे मुनव्वर भाई लपेटते हैं। तो उसका कहना है कि चीज है मुनावर का कि जिस जगह पे जरूरत होती है ना उस जगह पे दिखाने में अच्छा भी लगता है, बट जबरदस्ती जहां पे ना सर ना पैर ना जबरदस्ती के तुम घुसेड़ रहो फैंस फैंस ब्रो सेना को ना, तो वो बहुत ज्यादा डम्ब साउंड करेगा ही करेगा, 100% करेगा, एंड वो घमंड वाला लेवल भी आएगा। फिर मुनावर कहता है कि जो वही मैंने स्टार्टिंग में कही ना कि जिस कॉन्फिडेंस से अनुराग झूठ एंड कुछ स्टेटमेंट ऐसे देता है जिसके कुछ सेंस बन नहीं रहे रियल वर्ल्ड में, बट जस्ट टू लुक कूल एंड जिस कॉन्फिडेंस में वो देता है उसके लिए तो तालियां है, तो मुनावर भाई ने कही तो तालियां हमें बजानी पड़ेगी। तो या दिस वाज द होल सीन। रिंकू के किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं किया, वो भी क्या गेम है भाई, कि एंड दिस इज ऑल्सो रिप्लाई टू अनुराग, के अनुराग जो बज रहा था बाहर में, बताओ रिंकू जी को नॉमिनेशन ही नहीं किया इस बार। वाह भाई अनुराग भाई, ये क्या गेम है तुम्हारी, है ये गेम है तुम्हारी, है ये भी कुछ नए पत्ते थे क्या तुम्हारे, वो जो एक और कार्ड की बातें कल परसों हो रही थी बाहर की बातें, वो कार्ड अभी लास्ट के लिए बचा रखा है फिनाले के लिए, आई एम प्रीटी श्योर वो कार्ड फिनाले पे यूज होंगे बाहर के लोगों के साथ, समझ रहे हो, वो कार्ड अनुराग भाई नहीं खेलने वाले, वो कार्ड खेले जाएंगे बाहर के लोगों की तरफ से, समझ रहे हो ना, तो इंतजार करो वो कार्ड भी हमें दिखने वाला है बहुत जल्दी, होप्स आप सब समझ गए होंगे। दैट इज अ होल सीन। कि फिर विकी भाई आते हैं, विकी भाई एक चीज मेरे को सबसे गंदी लगी, ये आया क्या नाम है समर्थ आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, ऐश्वर्या क्यों आई, ऐश्वर्या के टाइम पे तो विकी आया नहीं, तो दिस शोज की हाउ दे यूज अप दिस अपॉर्चुनिटी एंड कैसे उसने सेफ खेली, बट अगेन वो सेफ दिख नहीं पाया, सेफ दिखने की कोशिश की बट वो सेफ खेल नहीं पाया, ये ऐश्वर्या आके लपेट दी उसे, अभिषेक की बाहर निकलने का मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, समझ रहे हो, सना कंफ्यूज हो आप, बताओ सना कह रही है कंफ्यूज हो आप यार क्या मतलब, अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन लोगों को करना है भाई। एंड बिग बॉस ने भी सही टोन मारा कि अभिषेक अब इसीलिए नॉमिनेशन करना चाह रहा है जस्ट टू शो कि मैं इंडिविजुअल खेल रहा हूं, जबकि 3 दिन बाद उन्हीं की चाटने वाला है वो, बिग बॉस ने भी सही टाइम पे रोस्ट किया, एंड बहुत अच्छा पॉइंट था बिग बॉस का भी कि कहीं ना कहीं अभिषेक इज वन ऑफ दोज हु ट्राई टू गेट इनटू दैट जोन ऑफ अंकिता, अंकिता बोलो विकी, अप्रिशिएट टू दैट पॉइंट। बढ़ाओ एक चीज हमें नहीं पता चली जब ये पूरा नॉमिनेशन और खत्म हो जाता है, फिर बाथरूम में पे कन्वर्सेशन होती है कि राइडर ने मनारा को कहा था कि मैं रिंकू और विकी से को नॉमिनेट करूंगा, वाओ दिस इज सच अ फ्रंट फुट गेम अनुराग वही कहते हैं ना जब आपकी गेम ही सेंस ना बना रही हो तो ओवर स्मार्ट ना ही बनते खोल दिया पोल मनारा ने कि राइडर ने उसे कही थी कि मैं नॉमिनेशन करूंगी विकी और खानजादी का, एंड जबकि खानजादी को आया ही नहीं ना विकी के पास, तुम गए बस ओवर स्मार्ट बनने के लिए मुनावर के पास, समझ रहे हो, दिस क्लियरली सेज बैन। तो वही सीन यार, क्या मतलब स्टीरियोटिपिकल टाइप्स गेम्स मैन, स्टीरियोटिपिकल टाइप्स गेम्स। पढ़ा वही मैंने कहा ना स्टार्टिंग में जो मैंने लाइन कही थी कि सेफ खेलना और सेफ दिखने में क्या फर्क है, मुनावर ने अभिषेक को लास्ट में वही समझाया कि विकी भाई ने सेफ खेलने की कोशिश की कि मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा तो कोई लोग मेरे को नहीं करेंगे, बट जो सेफ दिखने वाली गेम तो चल गई उनकी, बट सेफ खेलने वाली गेम उनकी चली नहीं,
तो वो सारों के सारे नॉमिनेटेड हो कर दिए उन लोगों को, समझ रहे हो। तो वही मुनावर ने अभिषेक को एक्सप्लेन भी की अबाउट द होल, अबाउट द होल बेसिकली सीन। एंड फिर अरुण भाई विकी को कहते हैं, अरुण भाई विकी भाई इन सब के कारण ना मेरे को डिच मत करना है, डोंट डिच मी बिकॉज अगेन ये मेरी दोस्ती गेम के लिए नहीं है, मेरी दोस्ती बाहर के लिए है। अरे अनुराग नहीं ना यार, व्लॉग की जनता नहीं दिख रही है तुम्हें यार, देर आर पीपल वॉचिंग फ्रॉम टीवी एंड लोगों को पता है यार तुम व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो ये नहीं चलता है यहाँ पर कि आप मेरे को डिच मत करना, मैं आपके साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, आप मेरे मैं आपको बाहर ले जाना चाहता हूँ, मतलब बाहर इन द सेंस की मैं बाहर की दोस्त देखना चाहता हूँ। बताओ इन ये सारी चीजें आती है नॉमिनेशन के बाद। क्या बोलना भाई, लाइक बढ़ा जाते जाते एक पॉइंट अपना मुनावर कह जाता है रिंकू जी के साथ, देयर वाज अ कन्वर्सेशन रिंग गोइंग ऑन विद अभिषेक एंड रिंकू जी एंड मुनावर कि बिग बॉस ने सही चॉइस की है, ऑलमोस्ट सारे सोल्ड है, विच इज अ फैक्ट कि लगभग सारे सोल्ड तो है। और एक चीज कहता है वो कि कहीं ना कहीं अभिषेक इनसिक्योर है समझ से, ये मेरे को आज पता चली, समझ रहे हो, ये मेरे को आज पता चली। बट लेट्स सी दैट कि कैसा वो चलता है एपिसोड, बट दैट वाज द होल एपिसोड्स। कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप सबका क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।